ओके भाई लोग, के ड्रामा टॉक के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देखो भाई, इस चीज के साथ आप एग्री करते हो या फिर नहीं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। मतलब हॉटस्टार के पास इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट कोरियन ड्रामा की लाइब्रेरी है, इवन सबसे बिगेस्ट। एंड इस चीज का जो रिग्रेट है आने वाले टाइम में नेटफ्लिक्स को जरूर होगा, क्योंकि दोस्त जहां पर नेटफ्लिक्स रोम कॉम के साथ बिजी है वहीं पर भाई हॉटस्टार वाले वैरायटी ऑफ के ड्रामास को अपने कंटेंट पर ला रहे हैं। एक से बढ़कर एक ड्रामा आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाके देख सकते हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आप मेरे इस चीज से कितना एग्री करते हो या फिर नहीं, लिख करके जरूर बताना। और हाँ, सुनो, लिखने जा रहे हो तो बगल में सब्सक्राइब का बटन भी दिखेगा। आप में से काफी लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस को देखते हैं बट अपनी कम्युनिटी को भाई बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते। अगर आप केडामा फैन हो एंड अपनी कम्युनिटी को भाई बड़ा होते देखना चाह रहे हो, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी को बड़ा करने में मेरी हेल्प करो प्लीज। एंड भाई, अब अगर सीधे बात के सबसे पहले बड़ी अपडेट की, देखो भाई काफी लोग पूछ रहे थे कि सॉन्ग जूंग की भैया जो है उनका नेक्स्ट केडामा क्या होगा। तो देखो दोस्त, इस रिलेटेड मैंने आपको पहले ही अपडेट दिया है कि करंटली वो दो केडामा से भाई वर्क कर रहे हैं, जिसमें से पहला है वो रीबॉर्न रिच की जो प्रिक्वल आ रही है उसमें आपको एज ए कैमियो देखने को मिलेंगे। एंड दूसरा उनका न्यू केडामा आने जा रहा है माय यूथ, जिसकी भाई जो कास्टिंग वो डन हो चुकी है। एंड इस केडामा को डायरेक्ट करने वाले यूमी सेल, अगर नाम की केडामा अगर हमने देखी होगी तो उसके डायरेक्टर। बाकी भाई एक्सपेक्टेड है कि जो ये केडामा है आपको 2025 के सेकंड क्वार्टर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई काइंड ऑफ एक रोमांटिक यूथ ड्रामा होने वाला है। बट अगर बात के सेकंड अपडेट की तो मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई हेल बाउंड का सीजन 2 कब आएगा। देखो भाई, अब सेकंड हाफ में मतलब इस साल के सेकंड हाफ में नेटफ्लिक्स पर बहुत सारे केडामास नहीं बचे हैं, लिमिटेड केडामा हैं, जिसमें से भाई जो फ्रॉग है वो आपको जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कल ही देख आज ही देखने को मिल जाएगा, एक्चुअली में 23 तारीख को। एंड जो नेक्स्ट केडामा है उनका वो आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, यानी कि सितंबर में, उसका नाम होने वाला ग्योंग स्योंग क्रिएचर सीजन 2। देन बचता है भाई अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें से दिसंबर ऑलरेडी स्लेटेड है फॉर स्क्विड गेम का सीजन 2। मींस मोटा मोटा अपने पास बचता है अक्टूबर एंड नवंबर। बचे कुछ मंथ में आपको तीन केडामा देखने हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के, जिसमें से पहला है मिस्टर प्लैंकटन, जिसमें आपको भाई अपना वो ब्लड हाउंड वाला हीरो देखने को मिलेगा। देन बचता है डिक ट्रंक, जिसमें अपने गोंगयू भैया देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड बचता है बड़ा केडामा हेल बाउंड का सीजन 2। भाई ऐसी एक्सपेक्टेड न्यूज है कि जो हेल बाउंड का सीजन 2 है मोटा मोटा आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, उससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड इसी के बीच में भाई जो रिमेनिंग केडामास वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ एक दो मूवीज भी हैं जो कि आपको इसी सेगमेंट में देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल बचे कुछ जो मंथ है उसमें उम्मीद करके चल सकते हो कि हाँ नेटफ्लिक्स पर आपको कुछ बड़े केडामास देखने को मिलेंगे। भाई वही शायद इस साल नेटफ्लिक्स की इज्जत बचा सकते हैं, क्योंकि भाई जितने भी अभी इस साल केडामास आए हैं किसी ने भी सुनामी नहीं क्रिएट की है। मतलब थोड़े बहुत आए ठीक ठाक बट उतना ग्रेट लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा पिछले कुछ सालों से हो रहा था। लाइक ऑल ऑफ अस डेड हुआ, स्क्विड गेम हुआ, माय नेम टाइप का हुआ सीरीज, या फिर और भी जो अदर केडामास थे, जैसा उन्होंने हायरार्की मचाया हुआ था पिछले साल से, ऐसा इस साल नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ है। राइट ना। एनीवे उम्मीद करके चलते हैं। मेरी जो होप है कि स्क्विड गेम जो है वो भाई पूरा तबाही मचाएगा एंड जो अपनी ग्लोरी है केडामा की वो वापस लेकर के आएगा, स्पेशली फॉर नेटफ्लिक्स। बट भाई अब अगर बात के नेक्स्ट अपडेट की तो मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कि लव नेक्स्ट डोर की जो हिंदी डबिंग है वो क्या हमें देखने को मिलेगी। तो देखो इसमें मैं बहुत श्योर शॉट आपको आंसर नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको जो बताऊंगा कि भाई जो ये केडामा है करंटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देन डेफिनेटली चांसेस है कि आपको ये हिंदी में जरूर देखने को मिलेगा आने वाले 4 से 5 मंथ के अंदर ही। नेक्स्ट भाई, हाई स्कूल रिटर्न ऑफ ए गैंगस्टर नाम का जो केडामा है, इनकेस अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है एंड इसके डब का वेट कर रहे थे तो इसके जो 8 एपिसोड हैं वो आपको अभी इंग्लिश डब में Hulu के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको इंग्लिश डब में देखना चाहते हो तो जाके देख लो, बाकी हिंदी डब की कोई भी न्यूज नहीं है। नेक्स्ट चीज भाई, सितंबर में आपको गीक वीक इवेंट भी नेटफ्लिक्स का देखने को मिलेगा, तो वहां से उम्मीद है कि आने वाले कुछ बड़े केडामास के अनाउंसमेंट हो सकती है, जैसे कि प्लाजा वार या फिर ऑल ऑफ अस आर डेड या फिर कुछ और बड़े केडामा है जो कि आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे, तो उनकी अनाउंसमेंट हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत सुनने को मिल सकती है इस इवेंट में जो कि सितंबर में ही होने वाला है। एंड ऑफिशियली अगर मुझसे पूछोगे तो ऑल ऑफ अस डेट को लेकर के अभी भी कोई भी मार्केट में न्यूज नहीं है, तो अगर आप इसको देखने का वेट कर रहे हो तो आपको और भी ज्यादा तगड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड इन केस अगर कुछ न्यूज मिल जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको तुरंत बताऊंगा, एंड कुछ अगर बड़ा मिल जाएगा तो डेफिनेटली वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन छोटी मोटी जो टाइप की न्यूज आती है तो उसको मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूं। एंड अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, दुनिया जमाने की भाई, दुनिया जमाने की अपडेट लेने के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मोटा मोटा भाई यही सारी न्यूज निकल के आई है, कुछ बड़ी न्यूज मिल रही है, बाकी
देखते हैं कि क्या होता है आने वाले टाइम में। अगर कुछ बड़ी न्यूज मिलेगी तो आने वाली वीडियो में अपन लोग कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीक आपको द फ्रॉग देखने को मिलेगा, नो लव नो गेन हिंदी में देखने को मिलेगा, एंड हो सकता है मिनी टीवी पर आपको एक दो सरप्राइज देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीजों में आप किसको देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। मेरी वीडियो काम लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, बाकी प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करो, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी नहीं, एंड देन अपन लोग डिमांड भी नहीं कर पाएंगे कि भाई इस केड्रामा को हमें हिंदी में चाहिए। तो अगर आप चाहते हो किसी भी केड्रामा को हिंदी में डब कराने के लिए, तो अपने चैनल को भाई बड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि समझ रहे ना बड़ा हो जाएगा, तभी तो जाकर के बड़े स्टूडियो के साथ अपन लोग बात रख सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कर देना, बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।